माय इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेट वाला सेंसर के बारे में। तो मैग्नेट वाला सेंसर आपके दरवाजे खिड़की के ऊपर लगा करके आप अपने घर का एनर्जी सेव कर सकते हैं। ये सेंसर खासतौर से एयर कर्टेन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो एसी रूम के दरवाजे के ऊपर एयर कर्टेन लगा रहता है जो हवा देता है। और दूसरा तरीका, इसको अपने सुरक्षा की दृष्टि से भी इस सेंसर को यूज कर सकते हैं, खिड़की या दरवाजे पर लगा देंगे। जैसे ही खिड़की दरवाज़ा ओपन होगा तो आपका अलार्म बजने लगेगा। और एनर्जी के सेव करने के रूप में भी लगा सकते हैं, पूरे घर के लोड पर लगा देंगे, दरवाज़ा बंद होगा आपका लोड भी पूरा बंद हो जाएगा, यानी पूरी लाइट पंखा बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके फंक्शन को हम जानते हैं, ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई जो घर में यूज होता है सिंगल फेस, वो एक MCB के द्वारा ले लिए हैं स्विच के रूप में। और यहाँ पे दो वायर ले लिए हैं छोटे छोटे, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो आपके पास ब्लैक और रेड वायर हो तो इस्तेमाल कीजिए। और एक लोड के रूप में एक बल्ब होल्डर ले लिए हैं। और ये हमारा है कुछ टूल्स, और इसके बाद ये है सेंसर मैग्नेट वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें पांच कनेक्शन है, K1, K2 और लाइन इन और लाइन आउट, न्यूट्रल कॉमन है। और ये छोटा सा एक डब्बे की तरह है, ये आपको मार्केट में आसानी से 700 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, अलग मॉडल मिलेगा और मिल जाएगा ये, लेकिन मैग्नेट सेंसर सर्च कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका मैग्नेट जो एक दरवाजे के चौकट पर लगेगा और एक पल्ले पर लगेगा, ठीक है। जो पल्ले पे लगेगा जो बिना वायर का होगा, और चौकट पे जो लगेगा जो वायर वाला लगेगा जो अभी हाथ में पकड़े हुए हैं। तो इसी के अनुसार आप अपने स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू ले लीजिएगा और सेट कर लीजिएगा। और इसका कनेक्शन ला करके सेंसर में K1 K2 में कर देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है K1 K2, इसके बाद लाइन इन न्यूट्रल, इसके बाद लाइन आउट, ये लिखा है। तो आपको लाइन इन आउट के लिए लोड के अकॉर्डिंग सेंसर का वाट को देखते हुए वायर ले लेना है, उसके इन का वायर लोड के अकॉर्डिंग देना है। और लोड जो होगा आपका, उसका न्यूट्रल इसी न्यूट्रल में दे सकते हैं या MCB के न्यूट्रल में दे सकते हैं, कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं लोड का। और लेकिन इसका लोड का जो भी लोड होगा आपका, उसका फेज यहाँ से आउट करना है इस सेंसर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, हम दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं सेंसर में 220 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, यानी सिंगल फेज सप्लाई देने के लिए, और इस MCB से 220 वोल्ट सप्लाई हमने दे दिया है। तो आपके घर के पूरे लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप वायर मजबूत लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, K1 K2 में इसका मैग्नेट का कनेक्शन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो जोड़ते वक्त आपको नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो में, लेकिन कनेक्ट कर करके एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोड का फेज कनेक्शन होगा और न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन है, इसी न्यूट्रल के साथ में जोड़ देंगे। इस न्यूट्रल को MCB के साथ भी जोड़ सकते हैं, मतलब कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं, लेकिन फेज आपको सेंसर से लेना है, जो भी आपका लोड होगा उसका लाइन यहाँ से लेना है और न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। तो आई थिंक कनेक्शन समझ गए होंगे आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट सप्लाई AC इन होता है और 220 वोल्ट सप्लाई AC आउट होता है, और 1000 वाट तक का लोड इस पे सेंसर पे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैग्नेट, यहाँ पे टेबल पे बैठा हूँ इसलिए ये सेट नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर वायर की वजह से उछल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने मैग्नेट को स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू के सहारे कस लीजिएगा। और इसको हम लाइट को करेंगे अब ऑन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच होगा या आपका MCB होगा, जो भी हो, सप्लाई देंगे तो आपका लोड जो भी होगा, फिलहाल बल्ब है तो बल्ब जल जा रहा है, और दूसरा वाला मैग्नेट जैसे ही इसमें चिपकेगा वैसे बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसका फंक्शन आई थिंक आप समझ गए होंगे। हटाएंगे मैग्नेट तो क्या होगा, बल्ब जलता रहेगा, सटा देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो दरवाज़ा बंद रहेगा तो बल्ब जो है बंद हो जाएंगे, और दरवाज़ा खुलेगा तो बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये काम करता है ऐसे मैग्नेट वाला सेंसर।
तो इसको अलार्म के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलार्म लगा दीजिए घर में, रात में कोई दरवाज़ा खोले अचानक से तो अलार्म बजने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, आप उठ जाएंगे। इसको सेफ्टी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी सेव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को देख करके इस मैग्नेट वाला सेंसर के बारे में आप जान गए होंगे बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, इस सेंसर का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके नॉलेज का पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, आपके अनुसार कहाँ इसका कनेक्शन होगा ज़रूर बताना हमें कमेंट्स में। धन्यवाद। जय हिंद।